नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। सारी की सारी खबरें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये सारी खबरें आज उत्तर प्रदेश देश दुनिया से लेकर आया हूँ। और हर खबर इंपॉर्टेंट होने वाली है, चाहे वो पेटीएम से लेकर हो या चाकू की नोक पर गुटखा और सिगरेट लूटना हो, चाहे ट्रेन सीट के लिए झगड़ा हुआ हो, चाहे डीएल और आरसी और इंश्योरेंस के अलावा चौथा कागज अगर नहीं है तो आप पर लगेगा चालान। उसी के बाद नीट यूसी की टॉपर लिस्ट, फिर जानेंगे कारगिल विजय दिवस पर क्या हुआ और यूपी में आने वाले 7 दिनों तक क्यों रहेंगे बंद स्कूल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो काफी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, विस्तार से बताऊंगा सारी खबरें। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर, ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत। जी हाँ, स्टेशन पर QR से किराए का भुगतान कर सकते हैं। आपको बता दें, ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर देखने को मिली है। रेलवे टिकट काउंटरों पर डिजिटल भुगतान शुरू कर दिया गया है। अब किराया भुगतान में नगद का झंझट खत्म हो जाएगा। आपको पता है, ट्रेन की टिकट लेते थे जब लोकल डिब्बे से, तो आपको बहुत बार क्या करना होता कि पैसा कैश देना पड़ता था, जो कि काफ़ी आपको अच्छा नहीं लगता था कि कैश पैसा देंगे तो कैसे होगा, फ़ोनों में रखते थे आजकल सभी लोग। तो इसीलिए अब आपको बताया कि QR सिस्टम लगा दिया गया है, जिस वजह से डायरेक्टली QR से स्कैन करें और पे कर पाएंगे, जो कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए इसी के बाद बात कर लें, चाकू की नोक पर गुटखा और सिगरेट लूटा और ऐसे चढ़े हत्थे। आपको बता दें, आगरा में एक चाकू की नोक पर 3 लोगों से गुटखा और सिगरेट लूट लिए गए। हालांकि दोनों आरोपी तुरंत ही पकड़ में भी आ गए और पुलिस हिरासत में भेज दी गई, लेकिन पीड़ितों के शोर मचाने पर भीड़ जमा हुई और आरोपियों को पकड़ लिया। अब सोचो, उन्हें गुटखा चाहिए था या ऐसी चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, बस डरा दिया। 23 जुलाई की बात है, रोशन मोहल्ले में श्याम बाबू यादव और सुरेंद्र कुमार गोयल और दिलीप सड़क पर एक जगह खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान 2 युवक वहां आए, उन्होंने चाकू दिखाया, डराया और उनकी जेब की तलाशी ली, जो मिला ले गए। जेब में गुटखा सिगरेट और कुछ कैश था। पीड़ितों ने शोर मचाया और भीड़ जमा हुई। भीड़ का हल्ला सुनकर डर कर आरोपी भागने लगे। आरोपी एक मकान में घुसा और भीड़ ने उसे दबोच लिया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई और बताया, दबोचने के बाद क्या होगा, छोड़ने वाले तो है नहीं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि दबोच कर धुलाई हो गई होगी कहीं ना कहीं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अब अगली बड़ी खबर, पेटीएम गोट अप्रूवल। जी आपको बता दें, 5 महीने बाद फिर 500 के पार, इस सरकारी मंजूरी पर शेयर बने रॉकेट। आपको बता दें, अभी पेटीएम के जो शेयर हैं वो जनवरी में 800 रुपये के आसपास पहुंच चुके थे। हालांकि फिर RBI में जनवरी के आखिरी में इसके जो पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्यवाही हुई, तो लगभग 42% से अधिक टूट गया। मई में 310 रुपये तक भाव हो गया। हालांकि अब सरकार ने इसे एक बार फिर मंजूरी दी थी, इसके चलते 8 फरवरी के बाद से पहली बार 500 रुपये के पार पहुँच गया शेयर। जी हाँ, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। चलिए इसी के बाद जानते हैं अगली बड़ी खबर, 1 अगस्त से बदल जाएंगे 5 नए नियम, गैस सिलेंडर से लेकर बिजली बिल भरना हो जाएगा महंगा। आपको बता दूं, अभी हर महीने आपको पता है 1 तारीख को कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं जो 1 अगस्त 2024 से लागू हो जाएंगे, और इन बदलावों में काफ़ी असर पड़ने वाला है आपकी पॉकेट पे। क्या क्या चीज़ें आपको बता दें कि LPG गैस सिलेंडर के जो प्राइजेज हैं, जी हाँ, देखा जा रहा है कि कीमतें जो भी तो तय नहीं हुई, लेकिन बीते महीने ने सरकार में जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर थी उनकी कीमतें कम थी, और इस बार उम्मीद है कि सरकार गैस सिलेंडर की कीमतें तय करेगी, तो आने वाले समय में उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं HDFC बैंक के, जो क्रेडिट कार्ड हैं उसके नियमों में बदलाव हो सकता है, तो क्या ट्रांजेक्शन लगेगा, कितना खर्चा आएगा, उस चीज़ के बारे में भी लग सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगी। फिर उसी के बाद यूटिलिटी ट्रांजेक्शन के नियमों में काफ़ी बदलाव हो सकता है। चाहे यूटिलिटी ट्रांजेक्शन आप चाहे कुछ भी चीज़ करते हो, ठीक है, चाहे आपने कोई किसी भी चीज़ के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं यूटिलिटी के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ सकता है, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से आप करते हैं। तो फिर उसी के बाद गूगल मैप ने किए हैं कुछ नियमों में बदलाव, जिसमें चार्जेस में 70% की कटौती होगी। अगस्त में जो बैंक हॉलीडेज हैं, बताया जा रहा है कि 13 दिन बंद रहने वाले हैं। जी हाँ, साल 2024 में बैंक कुल 13 दिन बंद रहेंगे, और इसमें रविवार, शनिवार और चौथा शनिवार शामिल है। ये अगस्त महीने में आने वाली चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो इसी के बाद बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर, रिजर्वेशन को लेकर जितनी आबादी उतना आरक्षण, राज्यसभा में पिछड़ी जातियों के लिए निजी विधेयक पेश। आपको बता दें, आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की मांग उठ चुकी है। जी हाँ, शुक्रवार को इस संबंध में एक निजी विधेयक भी राज्यसभा में पेश किया गया। हालांकि भारी हंगामे की वजह से इस पर चर्चा अधूरी रही, सदन को 1 घंटे तक स्थगित कर दिया गया, मगर शाम 4 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने निजी विधेयक पेश किया। आपको क्या लगता है कि जितना जो आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण देना सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में एक बार बता सकते हैं आपका जो भी विचार हो। सरकार ने नहीं चलाया कोई अभियान, राज्यसभा में उठी जाति जनगणना की मांग, जमकर हंगामा भी इस पर हुआ है। पोस्ट करके पढ़ना चाहें पढ़िएगा, बाकी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं बढ़ता हूँ अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार की इस स्कीम से अब होगा खेतों का परीक्षण। आपको बता दूं, किसानों के विकास के लिए सरकार समय समय पर नई योजनाएं लाती रहती है, और हाल ही में कृषि विभाग की एक नई योजना आई है, अब किसानों की खेती की सेहत को जांच भी हो सकेगी। इससे किसानों को एक खास कार्ड बनाकर दिया जाएगा और इससे काफ़ी बड़ा फायदा मिलने वाला है।
बच्चियाँ जिन लोगों को किसानों के जो खेत हैं उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। जी हाँ, किसानों के लिए सरकार अब कुछ अच्छा चीज़ देख रही है। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी का खबर, राम का खाते हैं तो राम का गाते क्यों नहीं, नेम प्लेट विवाद पर क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है ढाबे को लेकर। उन्होंने कहा कि शुद्ध है या अशुद्ध इसकी पहचान होनी चाहिए, इसे लेकर लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ये चीज़ हुई, मगर सत्य बाहर रहना चाहिए और यही अंदर का भाव है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अगर हम राम का खाते हैं तो राम का गाते क्यों नहीं है, आखिर इसे अपराध क्या है, पेट का पालन करने वाला ही राजा होता है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया ढाबे को लेकर, ये शुद्ध अशुद्ध इसकी पहचान होनी चाहिए, इसे लेकर लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नेम प्लेट का अर्थ कुछ और नहीं, इसका मतलब ही जागृति है। बागेश्वर धाम के महत कुछ छोटे छोटे वीडियो हमारे सामने देखे गए जिसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ काफ़ी अभी आपको पता है जगह जगह पर देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा में हुड़दंग को लेकर भी कुछ बोला है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, पोस्ट करके आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए इसी के बाद अब बढ़ता हूँ मैं अगली बड़ी खबर, ट्रेन में सीट के लिए हुआ झगड़ा, रेलवे पुलिस ने पीट पीट कर युवक की आंत निकाल दी, दो सस्पेंड। आपको बता दें, सीतामढ़ी जिले के जनकपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सीट को लेकर एक झगड़ा हुआ और उसको सुलझाने के लिए पुलिस जीआरपी के पुलिसकर्मियों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसकी आंत बाहर निकाल दी। वाकई में बहुत बड़ी चीज़ सोचने वाली है, किसी के साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे एसपी डॉक्टर गौरव मंगला ने दोनों पुलिसकर्मी को निलंबित करके वह पुलिस केंद्र में वापस बुला लिया। जी हाँ, रेलवे एसपी ने समस्तीपुर रेलवे के जो डीएसपी के मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। एसपी ने बताया कि दोनों पुलिसकर्मी दयानंद पासवान और गोरेलाल चौधरी को निलंबित कर मामले की जांच कार्रवाई शुरू कर दी, इसके बाद कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। जख्मी हो गए हैं अभी। जी हाँ, ये चीज़ वैसे देखा जाए तो कहीं भी सीट को लेकर ऐसा कुछ होता है तो उन्हें जख्मी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी चलते हैं इसी के बाद अगली बड़ी खबर, अगली खबर निकल कर आ रही है, आसमान में फिर हुई खगोलीय घटना, 18 साल बाद दिखा ऐसा अद्भुत नज़ारा, वैज्ञानिकों ने बताया इसके पीछे का कारण। देख सकते हैं गाइस कैसे आप सबको एक आसमान में अद्भुत नज़ारा दिख रहा है, समझ आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। भारत के आसमान में फिर से खगोलीय घटना हुई है, जी हाँ, जिसमें एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला है जो 18 साल बाद हुआ है। बुधवार देर रात में छाए बादलों ने शनि और चंद्रमा की लुकाछिपी शुरू करने के बाद एक खलल भी डाला, मगर रात 1:44 अगले मिनटों के लिए दृश्य बेहद स्पष्ट था। खगोल विज्ञान की भाषा में इसको लूनर ऑक्लेटेन ऑफ स्टैंड कहा जाता है। हिंदुस्तान ने 21 जुलाई के अंक में इस खगोलीय घटना के बारे में जानकारी दी। शनि का जो चंद्र ग्रहण लगभग 18 साल बाद भारत के आसपास कई देशों में नजर आने वाला है। बनारस के युवा अध्येता द्विवेदांत पांडे के अलावा बीएचयू के वैज्ञानिकों और शहर के कई जिज्ञासुओं ने भी अपने टेलीस्कोप से इस नज़ारे को देखा, जो वाकई में बहुत ही अद्भुत दिख रहा था। आप भी देखिए क्या गजब नज़ारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है सारे के सारे जितने और जो आसपास चक्कर लगाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ दिख रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा नज़ारा था। जी हाँ, चलिए इसी के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इस बात की गारंटी देता है कि शख्स को ड्राइव करना आता है। गाड़ी चलाने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन अगर इसके बिना कुछ और चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। पहली चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में। जी हाँ, उसी की अगर बात करें तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, ये भी आपके पास में चाहिए, क्योंकि ये बताती है कि आपके पास में RC का मतलब क्या, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कि अगर ये नंबर नहीं तो ट्रैफिक पुलिस आपका चलान नहीं कर सकती है, तो चीज़ें रखिएगा अपने साथ। चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर, ओलंपिक उद्घाटन में क्यों गूंजा इस देश यानी कि मुस्लिम देश का नाम, किन किन देशों ने कब और क्या लगा है बैन। आपको बता दें, समारोह में जैसे ही इसराइल की फुटबॉल टीम भाग लेने पहुंची, वहां मौजूद दर्शकों ने इसराइल का राष्ट्रगीत गाकर स्वागत किया, लेकिन थोड़ी ही देर में फिलिस्तीनी समर्थक नारे लगने लग गए। जी हाँ, चलिए इसके बाद जान लें अगली बड़ी खबर, नीट UG 2024 टॉपर लिस्ट, नीट के टॉपर 61 से घटकर हुए 17, देखें रैंक 1 पाने वालों की कई नई लिस्ट आ चुकी है। आपको बता दें, जो भी रिवाइज रिजल्ट हुआ उसके बाद जो 61 टॉपर्स थे उनमें से अब सिर्फ 17 ही रह गए हैं, और इन सभी स्टूडेंट्स के 99.99729 परसेंटाइल मार्क्स हैं, यानी सभी के 720 मार्क्स आए हैं। यह लिस्ट जारी हुई है और जिनमें से कुछ अगर लिस्ट आप देखना चाहें तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये सारे के सारे नाम हैं। जी हाँ, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, जी हाँ, ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, कारगिल विजय दिवस पर अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, योगी आदित्यनाथ समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का बड़ा ऐलान। आपको बता दें, कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों के सरकारों ने अग्निवीरों को शुक्रवार को बड़ी खुशखबरी दे दी, पुलिस भर्तियों में आरक्षण का ऐलान किया गया है।
जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है इन लोगों के लिए। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। यूपी में कल से 7 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और मदरसा। 4 जिलों में 2 अगस्त तक छुट्टी की घोषणा। आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी के 4 जिलों के DM ने 7 दिन तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। DM ने अपने आदेश में कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की भारी भीड़ रहती है, तो इसीलिए स्कूल, कॉलेजेस को और मदरसों को भी बंद कर दिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। जियो यूजर्स को 106 रुपये का फायदा, सस्ते प्लान में ज़्यादा डाटा और एक जितनी वैलिडिटी। आपको बता दें, रिलायंस जियो यूजर्स कई मंथली प्लान से रिचार्ज करने का विकल्प मिल रहा है और कंपनी एक फ्रीडम प्लान भी ऑफर कर रही है। हालांकि फ्रीडम प्लान से 106 रुपये कम में आप ज़्यादा डेटा का फायदा ले सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। रेन इन राजस्थान, अगले 24 घंटे में राजस्थान में 20 जिलों में बहुत तेज बारिश की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में बना कम वायुदाब का क्षेत्र परिसंचरण तंत्र बदलने के साथ ही मानसूनी मेघ राजस्थान के कई जिलों में छा गए हैं और राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। एप्पल का बड़ा ऐलान, आईफोन 13 से आईफोन 15 सीरीज तक हुए सस्ते। आपको बता दें, एप्पल ने अपने सभी आईफोन्स की कीमत को कम कर दिया, यानी कि कंपनी ने आईफोन 15 सीरीज, 14, 13 और आईफोन SE को सस्ता कर दिया है। कंपनी के बजट 2024 में कम हुई बेसिक कस्टम ड्यूटी के बाद फैसला लिया गया। इससे कंज्यूमर्स को 6,000 रुपये तक की बचत हो गई है। वाकई में बहुत अच्छा हुआ है। जी हाँ, इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा, कम कीमत हो गई है। आपको बता देना चाहते हैं, आईफोन जो SE है उसकी कीमत 23,000 रुपये घटाई गई है। प्रो मॉडल्स की बात करें तो कंपनी ने जो स्मार्टफोन थे उनकी कीमत 2300 रुपये घटाई है, एक में 5100 रुपये, एक में 6,000 रुपये तक कम हो गए। और पहली बार जब कंपनी ने प्रो मॉडल्स की कीमत को कम किया है। आप सबको बताइए, जो कस्टम ड्यूटी हटी है उसी के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है, जो वाकई में अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। BSNL से जुड़े 27 लाख से ज़्यादा नए ग्राहक तगड़ा फायदा करा सकते हैं 4 शेयर। आपको बता दें, जब से जियो, एयरटेल और वोडाफोन के आइडिया ने टैरिफ प्लान बढ़ाए उसके बाद से ही BSNL की डिमांड बढ़ गई है। सरकारी कंपनी ने 27 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, सोचने की बात है सिर्फ इतने दिन में। अब इन 4 कंपनियों के शेयरों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इन कंपनियों का सीधा संबंध BSNL से है। जी हाँ, और 4 कंपनियों के शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं, जिसमें से बात की जाए तो सबसे बड़ा है तेजस नेटवर्क, फिर उसकी बात करें तो HFCL, उसी के बाद बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और उसके बाद अगर बात करें MTNL शेयर प्राइस, ये सबसे बड़े हैं। लेकिन हाँ, हम इसमें कोई भी निवेश की सलाह आपको नहीं देते हैं। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है, किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ज़रूर लें। तो ये थी अभी उत्तर प्रदेश, यूपी और देश दुनिया की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।